गंगा यमुना के जल स्तर में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। पच्चीस सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है यमुना। बाढ़ आने के आसार। बरियारपुर बांध, माती टीला बांध और नचूरा बांध से यमुना नदी में छोड़ा गया है लगभग 7,32,400 क्यूसेक पानी। देश में कई हिस्सों की तरह प्रयागराज में गंगा और यमुना के तटीय क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। 16 अगस्त को बरियारपुर बांध, माती टीला बांध और लचीरा बांध से यमुना नदी में लगभग 7,32,400 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जिसका असर अब दिखने लगा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए नाव आदि के बंदोबस्त कर दिए गए हैं। माती टीला बांध और लचीरा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण हमीरपुर में बेतवा नदी का जल स्तर 41 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने से यहां यमुना का जल स्तर 25 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। अगर बीते दिनों की बात करें तो बीते 3 दिन में बेहद तेजी से यमुना और गंगा का जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में एक बार फिर माँ गंगा लेटे हुए हनुमान जी को नहला देंगी। माना जाता है कि जिस साल माँ गंगा लेटे हुए हनुमान मंदिर तक आती हैं, उस साल देश में और प्रयागराज में सुख शांति बनी रहती है। लगातार बढ़ रहे जल स्तर को देखने के लिए लोग संगम पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जल पुलिस को तैनात किया है, साथ ही गहरे पानी से पहले ही फ्लोटिंग ब्लॉक्स को भी लगा दिया है कि श्रद्धालु उस फ्लोटिंग बॉक्स के आगे तक ना जा पाए। श्रद्धालुओं का कहना है कि अचानक संगम में गंगा यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब वो यहाँ आए थे तो इतना पानी नहीं था, लेकिन अब संगम में पानी तेजी से बढ़ रहा है और बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। शुभ संकेत, जिस हिसाब से भी जलस्तर बढ़ रहा है प्रेजेंट टाइम में, इस हिसाब से तो देख कर ही लग रहा है कि मुश्किल से 7 से 8 दिन 10 दिन तो लगेगा मंदिर तक पहुंचने में। इस हिसाब से क्योंकि हम लोग 10 दिन पहले आए थे तो वो जो लाइन बनी हुई है रेड कलर जो प्लास्टिक की बनाएगी, पानी वहां तक था, तो 10 दिन में पानी यहां तक पहुंचा है। तो हम एवरेज अगर इस तरीके से देखें तो 10 दिन के बाद 10 दिन तक पानी वहां पहुंच जाएगा, और पानी अगर वहां तक पहुंचता है तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही शांति का संकेत है, हमारे देश के लिए बहुत शांति का संकेत है, पूरे विश्व कल्याण के लिए बड़ा संकेत है, ये शुभ संकेत है। अंतर तो समझ लीजिए है कि लगातार अंतर आ रहा है। 10 दिन पहले हम लोग आए थे तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप ना, इसके उस तरफ पानी भरा हुआ था, अब धीरे धीरे 10 दिन हो गया बीते हम लोग को, आते आते समझ लीजिए पानी यहाँ तक आ गया है। 10 दिन और टाइम अगर लगेगा तो पानी जो है गंगा जी जो है वो मंदिर तक टच कर जाएंगे हनुमान जी के, और स्तर जल स्तर तो लगभग घंटे में लगातार बढ़ ही रहा है। और माना जाता है कि गंगा माँ जिस साल नहलाती हैं बड़ा शुभ होता है, देश के लिए, देशवासियों के लिए, अब यहाँ प्रयाग के लिए बहुत बढ़िया, बहुत शुभ होता है।